टू केजीपी ऑनलाइन। नमो नमः छात्र, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में आपका सुप्रभातम पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 दिनचर्या भेजा हुआ था, आज मैं उसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद आपको समझा रही हूँ। इस अध्याय में दिनचर्या के माध्यम से हमें विधिलिंग लकार को, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, पट धातु के साथ इसका प्रयोग मैं करवाया था सभी लकारों का, तो विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में, जहाँ हमारा वाक्य चाहिए के अर्थ में आ रहा होता है वहाँ धातु के साथ हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, और उसके प्रत्यय मैंने आपको बताए थे, पट धातु के साथ उनका प्रयोग बताया था। यहाँ भिन्न भिन्न धातुओं के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए पढ़ने अध्याय 2 दिनचर्या। दिनचर्या अर्थात हमारा डेली रूटीन, जो हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सोते समय तक जो करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और एक अच्छी दिनचर्या के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, आरोग्य रह सकते हैं। जब हम आरोग्य रहेंगे तो हम अपने सभी कामों में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी की प्राप्ति पूर्ण रूपेण कर पाएंगे। अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं है तो हम ना तो अच्छे से विद्या अध्ययन कर सकते हैं, ना ही हम अच्छे से खेल सकते हैं, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लग सकता। और स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? अच्छी दिनचर्या। तो आइए आज इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारी सम्यक दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और विधि लिंग लकार का इसमें प्रयोग है। दिनचर्या कक्षायाम शिक्षक है चिरायु प्रति दृष्टवा भवति। कक्षा का एक ये चित्र है, यहाँ पर संवाद के माध्यम से बताया गया कि कक्षा है, शिक्षक और छात्रों के मध्य संवाद है। तो कक्षा में शिक्षक चिरायु की ओर देख करके कहते हैं, शिक्षक बोले, हो चिरायु, भवान हा विद्यालयम किमर्थम न आगच्छत। हे चिरायु, आप है अर्थात कल विद्यालय किमर्थम, किस लिए न आगच्छत, नहीं आए थे। अगच्छत गच धातु और इसमें लंग लकार, क्यों नहीं आए थे, तो हमारा वाक्य है भूतकाल का। चिरायु बोला, महोदय, हे महोदय, है अहम ज्वरेण पीड़ित आसम, कल मैं बुखार से पीड़ित है, अर्थात कल बीता हुआ कल, अहम मैं ज्वरेण बुखार से पीड़ित आसम था। शिक्षक कहते हैं, अधुना सम्यक अस्ति, अधुना अब सम्यक अच्छे अस्ति हो, अब तुम अच्छे हो, ठीक हो। चिरायु कहता आम आम यानी हाँ हाँ। शिक्षक है, फिर शिक्षक कहते हैं छात्रन प्रति, अर्थात सभी छात्रों की ओर देख करके, भवन्ते जानन्ति किम, क्या आप सब लोग जानते हैं, अस्वस्था केन कारणेन भवन्ति, अस्वस्थ रहना है, किस कारण से हम अस्वस्थ होते हैं, अर्थात हम किस कारण से बीमार होते हैं। गीता एक छात्रा है, गीता वह कहती है, महोदय, हे श्रीमान, हम सब दिनचर्या का सम्यक अच्छी प्रकार पालन ना कुर्मे नहीं करते। हे महोदय, जब हम दिनचर्या का अच्छी प्रकार से पालन नहीं करते तब हम अस्वस्थ होते हैं। तो कुर्मे के साथ क्रय धातु है, क्रय धातु में विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। एतेन कारण अस्वस्था भवाम, इसी कारण से हम सब अस्वस्थ होते हैं। शिक्षक बोले, शोभनम, बहुत अच्छा, अद्य अहम, आज मैं दिनचर्या इति विषये किंचित वक्तुम इच्छामि, आज मैं दिनचर्या इस विषय के बारे में आपसे कुछ बात करूंगा, या कुछ बात करने की इच्छा रखता हूँ, चाहता हूँ। यूयम ध्याने श्रुण, तुम सब लोग ध्यान से सुनो, प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मृत्वा मातरम पितरम चा नमेत। नमेत विधिलिंग लकार, नम धातु है, नमेत हुआ विधिलिंग लकार। प्रातः उठ करके ईश्वर को नमस्कार करके माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। तब सुबह सबसे पहले उठ करके ईश्वर को स्मरण करो, उनका ध्यान करो, फिर अपने माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद उद्यानम गत्वा, उद्यान बगीचे में जाकर, गत्वा जाकर के भ्रमणम योगाभ्यासम च आचरित, घूमना और योग करना, योगाभ्यास करना चाहिए। अब इसमें देखिए ज्यादातर क्रिया में आचरित, नमेत, ये जो है हमारे विधिलिंग लकार का प्रयोग है। तदय गृहम आगत्य, उसके बाद घर आकर के स्नानम कृत्वा, स्नान करके तो नहा धो करके, प्रात राशम दुग्धम चा स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छेत। प्रात राशम नास्ता,
दूध और दूध लेकर के अपने विद्यालय को जाना चाहिए। चिरायु, चिरायु बोलते हैं, मह्यम दुग्धम न रोचते महोदय, हे श्रीमान मुझे दूध पसंद नहीं है। मह्यम प्रात राशे, मुझे तो सुबह नाश्ते में बर्गर, चाउमीन, मोमो, पिज्जा, शीतल पेय, ब्रेड इत्यादि नहीं रोचते। अर्थात मुझे तो नाश्ते में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, मोमो, शीत पेय, ठंडे पेय आदि अच्छे लगते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं ईदृशम भोजनम स्वास्थ्य हानिकारकम भवति, इस प्रकार का ईदृशम, इस प्रकार का भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्य वर्धकानि खाद्यानि एव खादेव, हमेशा स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ ही खाना चाहिए। ततः इसके उपरांत मध्य मय गृहम आगत्य, इसके बाद दोपहर को घर आकर के गृहे पक्वम शुद्ध भोजनम गृहीत्वा विश्रायम कुर्युम, घर आकर के शुद्ध भोजन करके अब घर में बना हुआ शुद्ध भोजन करके विश्राम करना चाहिए। लता, लता बोली ततः इसके बाद, शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं सायंकाले क्रीडित्वा गृहम आगत्य गृह कार्यम स्वाध्यायम चा कुर्य, सायंकाल को खेल करके यानी शाम के समय आपको खेलने जाना चाहिए, फिर घर आकर के गृह कार्यम अपना घर का काम और अपना स्वयं अध्याय अपना अध्ययन स्वयं करना चाहिए। जो भी पढ़ाई है, होमवर्क है या घर में जो भी काम, वो सब स्वयं आपको करने चाहिए। पवन, पवन बोलते महोदय जीवने अनुशासनस्य किम महत्वम, कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं अनुशासनम जीवने अनिवार्यम अस्ति, अनुशासन जीवन में अनिवार्य, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी होता है। अनुशासन बद्धम जीवनम सर्वत्र प्रशंसनीयम भवति, अनुशासन बद्ध जो लोग अनुशासन में रह करके जीवन में अनुशासन अपनाते हैं, वह सर्वत्र सभी जगह प्रशंसनीय भवति, प्रशंसा के योग्य होते हैं, उनकी हमेशा हर जगह तारीफ होती है, प्रशंसा होती है। नियमान कदापि ना भिन्देयु, हमें नियमों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, भिन्देयु अर्थात तोड़ना चाहिए, माँ यानी नहीं। गीता, गीता बोली महोदय अन्य नियमान बदतु, और नियम बताइए ये जीवन आवश्यक भवेयु, जो कि जीवन में आवश्यक होते हैं। शिक्षक है, शोभनम तब प्रश्नम, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। ईश्वरम गुरुन वृद्धान आचार्यान चा अर्चयेयु, हम सबको ईश्वर का, वृद्धों का, गुरुजनों का और आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। सदा सत्यम वदेयु, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। महोदय, पवन कहते हैं महोदय चिरायु अधिकम चलचित्रम पश्यति, जो चिरायु है ये बहुत अधिक टीवी देखता है, टीवी के कारण अत्यधिक देखता है। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं उचितम नास्ति, यह तो उचित नहीं है। चलचित्रस्य संगणक यंत्रस्य चल भावित यंत्रस्य अर्थात दूरभाष यंत्र च आवश्यकता अनुसारम अल्पम प्रयोगम कुरु, चलचित्र टीवी का, संगणक यंत्र कंप्यूटर का और चल भावित यंत्र अर्थात मोबाइल का आवश्यकता अनुसार थोड़ा ही हमें प्रयोग करना चाहिए। रात्रो शीघ्रम ए भोजनम खादित्वा, रात को जल्दी ही भोजन करके पाठ स्मरण कृत्वा अपना पाठ याद करके 10 बजे तक अवश्यमेव शयनाय गच्छेयु, सो जाना चाहिए। सर्वे छात्र, सभी छात्र कहते हैं धन्यवाद महोदय, हे महोदय धन्यवाद, वयम अवश्यम एव एतान नियमान पालिष्यामे, हम सब जरूर इन सभी नियमों का पालन करेंगे। पालिष्यामे अर्थात इसमें कौन सा लकार आया, ऋट लकार, भविष्यकाल। मूल्य, अब शिक्षा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्राप्तार्थम आरोग्यम मूल साधन, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें आरोग्य अर्थात स्वस्थ रहना ही मूल मंत्र है। धन्यवाद।